हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 7:30, बस अभी भी सो के उठाऊँ। और आज खिलाई जाएंगी कंजके, क्योंकि आज नौमी है। तो अभी दोनों मेरे बीवी किचन में लगी हुई है और दोनों बेटे अभी सो रहे हैं। तो यार उनको नहाने के लिए बोलो ना फटाफट से। तो बेटे नहाओ फटाफट से, अक्षय नहाओ फटाफट से यार। एक इस वाले बाथरूम में चले जाओ, एक उधर वाले में चले जाओ। तो फटाफट से नहा के और फिर अपना कंजके बुला के और कंजके कराएंगे। ये भी एक टास्क होता है, क्योंकि सुबह सुबह कंजके कभी किसी घर में कभी किसी घर में जा रही होती है, तो उनको बीच में से तोड़ के अपने घर में लाना भी एक टास्क है। तो वो करेंगे आज। चलो फटाफट से, मैं भी चाय आ गई है, पहले मैं चाय बैठी पीता हूँ एक्चुअली में। तो मेरी चाय आ गई है, पहले चाय पियेंगे और चलते हैं एक बार ड्राइंग रूम में। तो शायद वाइफ जो है पूजा करने शुरू कर दिया उन्होंने। मैं भी आ जाऊँ क्या? आया है। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय शिव भगवान साई। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। यस यस मेरे बेटे, व्हाट हैपेंड? झटका नहीं लगा। ओह, सोफे की टेक ले रखी आपने, ठीक है, लगा रखी है। वैसे अभी स्कूल के लिए निकल रहे हैं, पापा नीचे कार ले आए हैं शायद से, तो चलते हैं अभी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और अक्ष जा रहा है अभी स्कूल, दक्ष जा चुका है और अक्ष अभी स्कूल जा रहा है। तो मैं उसको फ्री छोड़ दिया, मतलब अपने आप जाओ, तो मैं उसके लेकिन पीछे पीछे चल रहा हूँ। वो जा रहा है अक्ष, स्कूल तक छोड़ूंगा। उसके बाद फिर स्कूल तक छोड़ने के बाद तो फाइनली छोड़ दिया स्कूल। और अब मैं जा रहा हूँ पार्क वॉक करने के लिए, पार्क जिसमें हम वॉक करते हैं। तो वॉक करेंगे फिर मिलते हैं। वॉक तो कर लिए और टाइम हो रहा है 8:17, तकरीबन 6 चक्कर लगाए हैं। और इस पार्क होता है वो नियर अबाउट 1.25 किलोमीटर का एक होता है, तो तकरीबन वही 8-9 किलोमीटर है। और बैठे तो यहाँ पे जाम लगा हुआ है बाहर ही, कुछ नहीं, आड़ी टेढ़ी गाड़ी खड़ी कर रखी है बस, और कुछ नहीं है। मुझे जो लगता है उनकी वजह से ही जाम है। अब अभी वाइफ को लेंगे, वाइफ को भी जिम छोड़ा था तो वाइफ को लेंगे और उसके बाद फिर सीधा घर के लिए निकलेंगे। ओहो, ठोक दी इन्होंने गाड़ी ठोक दी है ऐसे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और मैं जा रहा हूँ अभी बच्चों को लेने के लिए और सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो आज ये सोच रहा हूँ कि यार मतलब क्यों ऐसा होता है कि जब आप या कोई भी तरक्की करता है तो सामने वाले को दिक्कत क्यों होती है? यार उसकी अपनी मेहनत होती है, अपना हार्डवर्क होता है, अपनी किस्मत होती है उसकी खुद की। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को दिक्कत क्या होती है। आप मेहनत कर रहे हो, सामने वाला भी मेहनत कर रहा है, उसको ईश्वर फल दे रहा है,
तो आपको क्या परेशानी है उसमें, मुझे कभी समझ नहीं आता। आज का टाइम वो है कि भैया लोग अपनी थाली में नहीं देखते हैं कि भाई मेरी थाली में क्या क्या ईश्वर ने दिया है, हाँ सामने वाले की थाली में देखते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कितना घी है, जबकि सामने वाला तो बेशक कुछ भी कर रहा हो, कितनी मेहनत कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, कितनी सारी परेशानियों से वो डील करता है वो तो वही जानता है ना। अब ऐसा ही लगता है मुझे कि पता नहीं क्यों, आप कहीं भी रहते हो ना और अगर आप वहाँ पर मतलब ज़ीरो से शुरू किया आपने और अगर आप बहुत अच्छे से स्टैंड हो गए हो या आप कोशिश करके थोड़ा सा ऊपर आ गए हो तो पता नहीं क्यों पड़ोसियों को दिक्कत ज़रूर होती है, खामे खा उलझ रहे होते हैं। तो मेरा ये आपसे भी पूछना है कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है ये ना, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए भी कि गाड़ी इधर क्यों लगा दी, और कभी बाइक आगे गेट के आगे पार्किंग के आगे बाइक खड़ी कर दी, कभी कुछ कभी कुछ, और मतलब समझ नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप भी पेशेंस रखो और मेहनत करो तो डेफिनेटली 100% आपको ईश्वर फल देंगे ही देंगे। मैं सभी के लिए बोलता हूँ ये बात, जितने भी मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी है मेरे नोन में जो भी लोग हैं, मैं उन सब के लिए ये बात बोलता हूँ कि आप सिर्फ अपना मेहनत करो और 100% बोल रहा हूँ कि ईश्वर आपको फल देंगे। मुझे कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं होती करने में, बच्चे यहाँ पर कर कितना ऊंचा बना दिया है रोड से, बहुत ऊंचा स्पीड ब्रेकर बना दिया है। तो अभी फिलहाल फटाफट से चल के बच्चों को लेते हैं और फिर वापस आपसे रूबरू होता हूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट, आपसे ये कहना चाहूँगा आप लोग सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए, क्योंकि क्योंकि तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करते रहें। इस टेम्पो वाले ने परेशान कर दिया है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा, काफ़ी देर से पौने तो हो गए हैं। होते हैं सामने गाड़ी फंसा रखी है, उधर से गाड़ी आने के लिए रास्ता ही नहीं दे रखा, और मेरे रेड बीट वाला ये भी यही कर रहा था, इसको मैंने इशारा किया कि भैया अंदर को ले मेरे पीछे, नहीं तो ये भी ये रॉन्ग से मतलब रॉन्ग में जाने को तैयार था। यार सामने वाली तरफ से भी गाड़ी आने के लिए जगह देनी चाहिए ना, मुझे समझ नहीं आता लोग पता नहीं या तो गाड़ी चलानी नहीं आती या पता नहीं क्या ड्रामे करते रहते हैं। अब बुरी तरीके से जाम कर रखा है आगे, सामने से जब गाड़ी आएगी नहीं, उधर से जब गाड़ियाँ इकट्ठी होती रहेंगी तो सामने उनमें से भी कोई महान आदमी होगा जो आगे लगाएगा, तो इधर का भी रास्ता बंद, इधर से भी रास्ता बंद। थोड़ा आगे करके ले लो, काट के ले लो यार थोड़ा सा आगे, लेकिन थोड़ा आगे लेके ले लो यार, एक से बढ़कर एक है भाई नमूने भी, उसको बोल रहा हूँ थोड़ा आगे होके ले लेना।